दोस्तों आज एक और बार फिर से मैं लेके आया हूँ जापान की सबसे खतरनाक लेटेस्ट मूवी में से एक मूवी जिसका नाम है किकाई जीमा। इस मूवी को हम लोग इमर्जन के नाम से भी जानते हैं पर मेरे को जापनीज नाम ज्यादा पसंद है। पर जो भी हो ये मूवी हद से ज्यादा डिमोनिक थी। आप लोगों ने किंजी ररिता सोबी मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया था और अब उसी की तरह ये मूवी आपको डराने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आईएमडीबी ने इसे 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है पर मेरे ख्याल से रेटिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि मूवी अभी नई आई है। इस मूवी में हम लोग एक आइलैंड पे एक डिमोनिक श्राप को देखेंगे जो पूरे आइलैंड को हिला कर रख देगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं किकाई जीमा मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है सोनोदा नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने घर में एक अजीब मशीन को अपने सर पे लगाकर लेटा हुआ था। सोनोदा का घर बिल्कुल समुन्द्र के पास था और दोस्तों सोनोदा ने ये वर्चुअल रियलिटी वाली मशीन पहनी थी जो उसे ले जाती है एक दूसरी दुनिया में। आप लोगों ने VR वगैरह का तो नाम सुना ही होगा जिसे पहनने के बाद हम एक दूसरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वहीं पास के गांव में ईडे नाम की एक लड़की सोनोदा से कनेक्टेड थी। ईडे स्क्रीन पे वो देख पा रही थी जो सोनोदा को वर्चुअल दुनिया में दिखाई दे रहा था, पर तभी वर्चुअल दुनिया के अंदर एक खराबी आ जाती है और ईडे चौंक जाती है। उस वर्चुअल दुनिया में अब सोनोदा के पास आ जाती है एक डिमोनिक आत्मा, पर सोनोदा को बचाने के लिए ईडे भी वर्चुअल दुनिया में चली जाती है। ईडे पहुंच जाती है एक बीच पे सोनोदा के घर के आगे, पर वहां पे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो सेम चीज सोनोदा भी महसूस कर पा रहा था और दोनों ही लोगों के पीछे एक डिमोनिक आत्मा पड़ी हुई थी। दोनों ही लोग अब उस आत्मा से बच के समुंदर की तरफ भाग जाते हैं, पर दोस्तों वो जो भी डिमोनिक आत्मा थी वो एंड में उन दोनों को ही एक साथ पकड़ लेती है और असली दुनिया में ईडे और सोनोदा दोनों ही मारे जाते हैं। ईडे के सर में से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और कमरों के अंदर समुंदर का पानी भर जाता है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ तोरी गेट से जुड़ा हुआ था जो जापान का एक ट्रेडिशनल गेट है एंशियंट टाइम से। अब सीन कुछ टाइम आगे जाता है और हम लोग मिलते हैं काताओका नाम के एक लड़के से जो एक वर्चुअल रियलिटी का डिजाइनर था, और काताओका मिलता है ईडे से जिसे हमने अभी अभी मरते हुए देखा। ईडे काताओका को बताती है कि वो एक आइलैंड पे न्यू वर्ल्ड नाम की एक वर्चुअल रियलिटी बना रही है और ईडे काताओका को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बुलाती है, पर दोस्तों वो दोनों हाथ नहीं मिला पाते क्योंकि असल में काताओका इस वक्त वर्चुअल रियलिटी में ही था और वो आइलैंड पे ना रहते हुए भी आइलैंड पे ईडे से बात कर रहा था क्योंकि ईडे ने ये वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। काताओका को ईडे बताती है कि उसने इस पूरे आइलैंड की एक हूबहु नकल बना दी है और वो अपनी टीम मेंबर्स के बारे में भी बताती है जिनके नाम है यामामोतो, कोची, मियू और मियूरा। ये सारे लोग आइलैंड पे ही रहते हैं और अब टीम को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया जाता है काताओका को, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब वर्चुअल रियलिटी से काताओका बाहर आता है तो वो ऑलरेडी एक शिप से आइलैंड की तरफ जा रहा था, और वहां पे हम लोग रिन नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं जिसको आप लोग याद रखना। जल्द ही काताओका पहुंच जाता है आइलैंड पे और वो ज्यादा बात नहीं करता था। उसे लेने के लिए आता है यामामोतो, पर रास्ते भर भी काताओका ज्यादा बात नहीं करता। यामामोतो काताओका को बताता है युता नाम की एक प्रीस्ट के बारे में जो गांव वालों की मदद करती है, और काताओका को यामामोतो उसी प्रीस्टेस के घर के पास ले जा रहा था क्योंकि वहीं पे उनका ऑफिस है। वो दोनों वहां पे पहुंचते हैं और मिलते हैं शीगे नाम के एक बूढ़े आदमी से जो युता के लिए ही काम करता है। खैर घर पहुंच के काताओका सेटल होता है और एक अंडरग्राउंड जगह पे मिलता है बाकी टीम मेंबर्स से। सारे लोग काताओका का वेलकम करते हैं पर वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसे बस काम पे ध्यान देना था। वो जाके अपने कंप्यूटर को सेट करने लगता है और जल्द ही वर्चुअल रियलिटी को सेट करके पहुंच जाता है आइलैंड की एक हूबहू कॉपी के अंदर जो ईडे ने बनाई थी। अब दोस्तों इस वर्चुअल रियलिटी को ईडे के अलावा सिर्फ काताओका चला सकता था, और इसलिए ईडे ने काताओका को यहाँ पे बुलाया है। पर जब सब लोग वर्चुअल रियलिटी को एंजॉय कर रहे थे तभी काताओका की वर्चुअल रियलिटी में अंधेरा हो जाता है। उसके आसपास से सारे लोग गायब हो जाते हैं और काताओका पहुंच जाता है सोनोदा के घर के सामने जिससे वो कंफ्यूज था।
वो घर के पास जाता है कि तभी घर में लाइट्स जल जाती है और उसे दिखाई देता है सनोदा, जिसके पीछे से आती है वो डिमोनिक आत्मा और वो सनोदा को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। उस आत्मा के पैरों में चेन्स बंधी हुई थी और वो आत्मा अचानक कताओका के सामने आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। पर तभी टीम के बाकी मेंबर्स कताओका को असली दुनिया में वापस ले आते हैं। अब ये अजीब चीज एक्सपीरियंस करने के बाद कताओका समझ जाता है कि शायद ईडे की बनाई गई इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है, शायद कोई वायरस या फिर बग, और वो यामामोतो से पूछता है कि ईडे कहाँ पे है। पर अब उसे पता चलता है कि ईडे मर चुकी है। सीन जाता है उस टीनेजर लड़की रिन पे, जो घर आती है और तुरंत वापस बाहर निकल जाती है खाना लेकर। रिन जाती है किसी से मिलने के लिए, पर रास्ते में तीन शैतान लड़कियां रिन को बिना मतलब परेशान करती है। खैर, रिन उन लड़कियों पे उल्टा वार करके वहां से चले जाती है, पर हम लोग समझ जाते हैं कि रिन को कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मिलने जाती थी शीगे नाम के उस बूढ़े आदमी से, और असल में शीगे को कोई पसंद नहीं करता था और इसलिए रिन को भी कोई फिर पसंद नहीं करता था। शीगे उसे घर पे नहीं मिलता तो वो उसके लिए खाना रख के वहां से चले जाती है, और साथ ही साथ एक पेपर की डक को भी वो वहां पे छोड़ देती है, और शीगे ने बहुत सारी पेपर डक जमा कर रखी थी। पर शीगे को लोग क्यों नहीं पसंद करते ये हमें एंड में पता चलेगा। खैर, अगले दिन कताओका जब अपनी एंट्री आइलैंड के अफसरों को करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि ईडे की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन उसने कताओका को इनवाइट करा था। तभी स्टेशन पे आती है तमाकी नाम की एक लड़की, और दोस्तों तमाकी सोनोदा की बेटी थी। तमाकी आइलैंड पे आई थी अपने पापा का सामान स्टेशन से लेने के लिए, जिसके बाद तमाकी और कताओका साथ में ही स्टेशन से निकलते हैं और एक बस के अंदर चढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद बस खराब हो जाती है और दोनों को ही बस से उतरना पड़ता है। कताओका तुरंत अपने रास्ते निकल जाता है और तमाकी अपने रास्ते, पर दोनों ही रास्ता भूल गए थे, और इसलिए कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद एंड में वो दोनों एक दूसरे के फिर से सामने आ जाते हैं। पर इस बार तमाकी कताओका से पूछती है कि क्या तुम भी खो गए हो, और तभी शीगे झाड़ियों से निकल के दोनों के सामने आ जाता है। अब क्योंकि शीगे कताओका को जानता था तो शीगे उन दोनों को ले जाता है यूता के पास, और वो प्रीस्टेस अब दोनों को बताती है कि तुम दोनों यहाँ पे एक वजह से आए हो। यूता अब तमाकी के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा समुन्द्र में डूब के मरे थे, और तभी सोनोदा के सामान में से पानी निकलने लगता है जिससे तमाकी डर जाती है। यूता फिर कताओका के साथ भी सेम चीज करती है और बताती है कि तुम्हें जिसने इस आइलैंड पे बुलाया है वो भी समुंदर में मरी थी, बिल्कुल सोनोदा की तरह। ये बात सुन के कताओका चौंक जाता है और एक पल के लिए पीछे आ जाती है सोनोदा और ईडे की आत्माएं, जिससे साफ था कि कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पे कंपनी और सोनोदा के बीच में। खैर, अब ये सब सुनने के बाद वो दोनों बात करने का फैसला करते हैं। चलते चलते वो पहुंच जाते हैं सोनोदा के घर पे, जहाँ पे घर को अंदर से देखने के बाद कताओका चौंक जाता है, क्योंकि उसने ये घर वर्चुअल रियलिटी के उस अजीब एक्सपीरियंस में देखा था, और इसका मतलब जो आदमी उसने देखा था वो था सोनोदा, और ये बात वो समझ जाता है। कताओका जाता है अपने अड्डे पे और वो कंप्यूटर फाइल्स को चेक करता है जिसमें सोनोदा की डिटेल्स मेंशन थी, पर टीम के किसी भी मेंबर को सोनोदा के बारे में कुछ नहीं पता था। जल्दी ही ये भी पता चलता है कि सोनोदा और ईडे दोनों एक साथ एक ही टाइम पे एक ही तरीके से मरे थे, जिसके बाद कताओका निकालता है सोनोदा की मरने से पहले वाली वर्चुअल रियलिटी की फुटेज। उस वीडियो में सोनोदा डरा हुआ था और अचानक उसके सामने कोई धुंधली चीज आ गई थी, जो क्या थी ये समझ नहीं आता। खैर, इतना कताओका दिमाग लगा के समझ जाता है कि ईडे सोनोदा के ऊपर वर्चुअल रियलिटी को टेस्ट कर रही थी, और उसी टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई जिससे वो दोनों मारे गए। पर एक साथ मौत होने के लिए ईडे और सोनोदा दोनों के दिमाग को एक होना पड़ेगा, पर ये सब कुछ वर्चुअल रियलिटी के अंदर कैसे हो सकता है ये समझ नहीं आता। वही दूसरी तरफ तमाकी अपने पापा का सामान चेक करती है और उसे मिलती है उसकी बैंक की पासबुक। पासबुक में ईडे की कंपनी वालों ने पैसे भेज रखे थे उसके पापा को, वो भी डेली बेसिस पे, जिसे तमाकी भी समझ जाती है कि उसके पापा की मौत और ईडे की मौत कनेक्टेड है। नेक्स्ट डे कताओका थोड़ा रिसर्च करके समझाता है कि कैसे वर्चुअल रियलिटी के अंदर इंसानों के दिमाग कनेक्ट हो सकते हैं। असल में दोस्तों, ईडे की उस वर्चुअल दुनिया में जाने से पहले इंसानों की मेमोरीज को कंप्यूटर के अंदर अपलोड करा जाता है डाटा की फॉर्म में,
तो अगर वो मेमोरीज किसी वजह से आपस में मिक्स हो जाए तो वर्चुअल रियलिटी में जाने वाले इंसान के दिमाग भी मिक्सअप हो जाएगी और फिर जो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस होगा वो दोनों लोग एक ही साथ एक जैसा एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से सोनोदा और ईडे एक ही रीजन से मर गए। पर वो रीजन क्या था ये समझ नहीं आता और ये भी समझ नहीं आता कि उन दोनों का डाटा मिक्सअप कैसे हो गया, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में है ही नहीं। अब कताओका के हिसाब से जो सोनोदा की लास्ट मेमोरी में वो धुंधली लाल चीज कैद हुई है ना, शायद उसी की वजह से सोनोदा और ईडे की मौत हुई है। और अगर उन लोगों ने इस वायरस को ठीक नहीं किया तो ये वर्चुअल रियलिटी खतरनाक होगी। अब इस धुंधली चीज को समझने के लिए यामामोतो, कोजी, मियू, मियूरा और कताओका अपनी मेमोरीज को मिक्स कर देते हैं सोनोदा की मेमोरीज से, ताकि वर्चुअल रियलिटी में वो लोग जाकर उस चीज को देख सके और पता लगा सके कि खराबी क्या है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो वीडियो धुंधली चीज क्लियर नहीं करती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने सोनोदा से कभी भी रियल दुनिया में बात नहीं करी, ना वो उसे जानते थे, और इसलिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे सोनोदा का कोई कनेक्शन हो। अब उस दिन तमाकी आती है कताओका से मिलने और वो उससे पूछती है कि मेरे पापा तुम्हारी कंपनी के लिए काम क्यों कर रहे थे। पर तमाकी को देख के कताओका समझ जाता है कि यही वो इंसान है जिसकी मेमोरीज की उसे जरूरत है। कताओका अब तमाकी को ले जाता है यूता के पास, क्योंकि दोस्तों तमाकी ने अपने पापा को टीनेजर के टाइम से ही छोड़ दिया था और उसके पास ज्यादा मेमोरीज नहीं थी। पर यूता अपनी साइकिक पावर से तमाकी की उन मेमोरीज को अनलॉक कर सकती है जो वो भूल गई है। यूता के घर पे अब यूता को पहनाया जाता है वर्चुअल रियलिटी की मशीन को, ताकि यूता अपनी शक्तियों से तमाकी की दिमाग को पढ़ सके। और फिर तमाकी और उसके पापा सोनोदा की मेमोरीज को वर्चुअल रियलिटी में डाल दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो टूटी फूटी मेमोरीज है वो ठीक हो जाएगी, और हो सकता है मेमोरीज ठीक होने के बाद वो धुंधली चीज भी क्लियर हो जाए। इस सीन में गांव वाले ताकाजाकी करने आ गए थे और उसी भीड़ में रिन शीगे को देखने के लिए आई हुई थी कि वो ठीक है या फिर नहीं। खैर यूता अपना काम करती है और वो तमाकी की मेमोरीज को पढ़ती है और तुरंत ही टीम को मिलने लगती है डिजायर्ड रीडिंग्स। अब ये साइकिक काम करते वक्त अचानक ही यूता के दिमाग पे जोर पड़ने लगता है और तमाकी को समुन्दर का पानी दिखाई देने लगता है। तमाकी के पीछे आ जाती है उसके पापा की आत्मा, जो उसे आकर बोलती है, बेटा ये आइलैंड छोड़ के चली जाओ। और वही पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। सोनोदा अपनी बेटी को चेतावनी देके वहां से चले जाता है, पर दोस्तों कताओका और बाकी लोगों को जैसे ही वो रीडिंग्स मिलती है जो उन्हें चाहिए थी, वैसे ही यूता के अंदर से निकलते हैं डिमोनिक हाथ, जो तमाकी को पकड़कर उसे पूरी तरीके से डरा देते हैं। और ये सब असली दुनिया में हो रहा था और इसका मतलब शायद उन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है। तमाकी डर जाती है, पर खैर सब कुछ होने के बाद वो लोग जाते हैं ऑफिस, जहाँ पे कताओका रीडिंग्स को वर्चुअल दुनिया में अपलोड कर देता है। सब लोग नजर रख रहे थे उस धुंधली फिगर पे, पर कोजी को यकीन नहीं था कि कताओका कुछ भी कर पाएगा। खैर रीडिंग्स अपलोड होने में एक दिन लगेगा। तो अब सीन जाता है शीगे पे। शीगे घर आके रिन का रखा हुआ खाना खाता है, जिसके बाद वो गाता है एक बहुत सुंदर जैपनीज गाना जो एक श्राप के बारे में था। गाने से हमें पता चलता है कि जो श्राप है वो है एक लड़की का, जिसके हाथ सांप की तरह लंबे हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ ही देर पहले तमाकी को सांप जैसे लंबे हाथों ने डरा दिया था, और ये बात साफ थी कि वर्चुअल रियलिटी वाली टीम ने किसी श्राप से पंगा ले लिया है। वही ऑफिस में आता है कोजी, जो नशे में था, और तभी रीडिंग्स भी अपलोड हो गई थी। और नशे में कोजी लगा लेता है वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट। वो चले जाता है वर्चुअल रियलिटी में, पर उसे वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी ऑफिस ही दिखाई देता है, जिसे वो कंफ्यूज हो जाता है। और तभी कमरे में भरने लगता है समुंदर का पानी। अब अगली सुबह ताकाओता और बाकी लोग जब ऑफिस में आते हैं तो उन लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि सारे कमरे में समुंदर का पानी भरा हुआ था और कोजी गायब था। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिसमें वीडियो अचानक ही पॉज हो जाती है और सारी की सारी स्क्रीन्स अपने आप ग्लिच करने लगती है। स्क्रीन पे अब अचानक ही फिर से सोनोदा की मेमोरीज वाली वीडियो चल जाती है, पर अब उस वीडियो के अंदर वो धुंधली चीज गायब हो गई थी, जो कि चौंका देने वाली बात थी,
एक बार फिर से वीडियो चेंज होती है और वीडियो में अब कोजी की वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस चलने लगता है जो उसने कल रात देखा था, जिसमें वो ऑफिस के अंदर ही था कि तभी कोजी के सामने आ जाती है एक खतरनाक डिमोनिक आत्मा और उसे स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है एक तोरी गेट। कोजी फिर उस तोरी गेट की तरफ चले जाता है और वो पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया के अंदर समुन्दर में, जहाँ पे उसके सामने थी वो डिमोनिक आत्मा। कोजी डरने लगता है और फिर अचानक वो आत्मा कोजी को पकड़कर समुद्र में डुबाकर मार डालती है। और ये सब स्क्रीन पे देख के सब लोग चौंक गए थे और किसी को नहीं पता था कि वो डिमोनिक शक्ति कौन है। उसी टाइम पे तमाकी को एक कंप्यूटर के पास मिलते हैं डिमोनिक बाल और ये अब साफ हो गया था कि वो लोग फंस गए हैं एक श्राप में। कताओ का समझ जाता है कि उनकी रीडिंग्स अपलोड होने के बाद जो भी डिमोनिक शक्ति वर्चुअल रियलिटी के अंदर थी वो वहां से बाहर निकलकर आ गई है और हमारी दुनिया में पहुंच गई है और अब वो इस आइलैंड पे हाहाकार मचाएगी। अब सीन जाता है तीन गांव वालों पे, दो लड़के और एक लड़की जो नशे में घर जा रहे थे, जब रास्ते में जंगल के अंदर एक लड़का टॉयलेट करने लगता है और दूसरे लड़के को हो जाती है उल्टी। लड़की उन दोनों को संभालती है कि तभी उसे पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है वो डिमोनिक आत्मा, जिसे देखकर वो लड़की चिल्ला के भाग जाती है। लड़की के जाते ही वो डिमोनिक आत्मा अपने सांप जैसे लंबे हाथों से पकड़ लेती है उस लड़के को जो टॉयलेट कर रहा था और उसे मार डालती है। जो दूसरा लड़का बचता है उसे फिर पेड़ पे लटकी हुई डिमोनिक लाश मिलती है अपने दोस्त की, जिससे वो डर के मारे पूरी तरीके से चिल्लाता है। अब अगले दिन तमाकी मिलती है रिन से और तमाकी रिन को जाती थी क्योंकि तमाकी ने रिन को यूता के घर की बाहर वाली भीड़ में देख लिया था, पर रिन तमाकी से बिना बात करे वहां से भाग जाती है। और दोस्तों वो सीधा जाती है शीगे से मिलने के लिए, पर शीगे गहरे जंगलों में कहीं जा रहा था, जिसे रिन देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। रिन शीगे के पीछे पीछे पहुंच जाती है एक बीच पे, जहाँ पे शीगे बैठ के एक तोरी गेट के सामने वो डिमोनिक गाना गा रहा था और इसका मतलब शीगे उस श्राप के बारे में सब कुछ जानता है। पर दोस्तों जब रिन वो गाना सुनती है तो गाने में एक लड़की के बारे में बताया जा रहा था जिसे पैदा होने के बाद ही गुलाम बना लिया गया था। खैर वो गाना थोड़ा डिमोनिक था, जिससे रिन डर के वहां से भाग जाती है। अब उस दिन था आइलैंड पे एक फ्यूनरल, जिसकी सर्विस में सबको बुलाया गया था सिवाय शीगे को, और जब शीगे वहां पे आता भी है तो उसे लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, जिसका रीजन यही है कि सब लोग उसे नफरत करते हैं, पर क्यों ये एंड में पता चलेगा। रात को अब हमें मियो को दिखाते हैं जो नहा रही थी, पर उसे परेशान करने के लिए आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा। मियो डरने लगती है क्योंकि आत्मा का हाथ कहीं से भी बाहर निकल रहा था और तभी अचानक मियो के हाथ हो जाते हैं डिमोनिक और वो चिल्ला के बेहोश हो जाती है। सब लोग मियो को संभाल के उसे सुला देते हैं और मियूरा अब डर रही थी और बोल रही थी कि ये श्राप हम सबको एक एक करके मार डालेगा। अब अपनी इस प्रॉब्लम को लेके तमाकी ताकोता यामामोतो मियो और मियोरा जाते हैं यूता के पास अगले दिन और वो यूता को सब कुछ बता देते हैं, पर यूता ऑलरेडी जानती थी कि हो क्या रहा है। यूता निकालती है एक एंशिएंट स्क्रोल जिसमें उसी डिमोनिक आत्मा की पेंटिंग बनी हुई थी। यूता बताती है कि ये है इमाजो और तुम्हारे को इमाजो का श्राप लग गया है जो पूरे आइलैंड पे ऑलरेडी फैला हुआ था। यूता बताती है इमाजो नाम की एक लड़की की कहानी, जिसे पैदा होने के बाद इस आइलैंड पे गुलाम बना लिया गया था। हुआ ये था कि इमाजो का मालिक उसके साथ रोज रेप करता था और ये बात पता चल गई थी मालिक की बीवी को। मालिक की बीवी ने फिर इमाजो को बहुत ज्यादा तड़पाया था और उसकी स्किन को काट डाला था, जला डाला था और एंड में उसे एक तोरी गेट पे जीसस क्राइस्ट की तरह समुन्दर के पास लटका दिया था। इमाजो को फिर पत्थरों से मारा गया था, जिसके बाद समुन्दर में जब टाइड आई तो इमाजो डूब के मर गई, पर मरने से पहले उसने पूरे आइलैंड को श्राप दे दिया। इमाजो के मरने के बाद उसके मालिक और मालकिन मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे, पर सिर्फ वो ही दोनों नहीं, गांव के लोग एक एक करके मरने लगे थे। लोग पागल होके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते थे और इमाजो के श्राप ने इस आइलैंड के ऑलमोस्ट सारे लोगों को मार डाला था। अब यूता बताती है कि ये तो एक लोक कथा है जिसने आइलैंड की कहानियों को जन्म दिया है, पर ये बहुत पुरानी बात है और इसलिए कोई नहीं जानता कि ऐसा सच में हुआ था या फिर नहीं।
खैर यूटा के हिसाब से कहानी सच हो या ना हो, आइलैंड में कुछ अजीब तो हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से लोग गायब हो रहे हैं। तमाकी अब यूटा से पूछती है कि क्या इमाजो ने ही सोनोदा और ईडे को मारा था, जिसके जवाब में यूटा बताती है कि इमाजो ने मरने के बाद इस आइलैंड की एक हूबहू कॉपी बना ली थी, जिसके अंदर वो रहती थी और वहीं से लोगों को मारती थी। कहने का मतलब इमाजो की एक अलग श्रापित दुनिया है, और जब ईडे ने वर्चुअल दुनिया बनाई थी तो किसी वजह से ईडे की वर्चुअल दुनिया इमाजो की श्रापित दुनिया से जुड़ गई थी, जिससे इमाजो आ गई थी वर्चुअल दुनिया के अंदर। और फिर जब कताओका ने वर्चुअल दुनिया के अंदर अपनी उन रीडिंग्स को अपलोड करा, तो इमाजो वर्चुअल दुनिया से निकलकर हमारी असली दुनिया में आ गई, और अब वो यहाँ पे तहलका मचा रही है। तो कहने का मतलब इस मूवी में तीन डिफरेंट दुनिया है, एक है हमारी असली दुनिया, एक है वर्चुअल दुनिया, और एक है इमाजो की डिमोनिक दुनिया। यूता बताती है कि हमारी दुनिया और इमाजो की श्रापित दुनिया के बीच में ईडे की वर्चुअल रियलिटी है, पर वीआर को हटा दिया जाए तो इमाजो की दुनिया हमारी दुनिया से उस स्टोरी गेट से जुड़ी हुई है जिसपे इमाजो मरी थी, और अगर उस दरवाजे को जला दिया जाए तो इमाजो गायब हो जाएगी। ये सब सुन के सारे लोग वापस चले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि अब उन्हें उस स्टोरी गेट को ढूंढना था इमाजो को भगाने के लिए। कताओका की टीम टोरी गेट को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, पर इस बीच में कताओका जाने का फैसला करता है वीआर के अंदर, ताकि वो वहां से जाके इमाजो को रोक सके और उसे वहीं पे कैद कर सके, ताकि इमाजो बार बार हमारी दुनिया में आके लोगों को न मार पाए। कताओका का इस काम में साथ देता है यामामोतो, पर इससे पहले वो दोनों वीआर के अंदर जा पाते, वहां पे आ जाती है डिमोनिक इमाजो, और वो मियूरा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है श्रापित दुनिया में उसे मारने के लिए। तुरंत कताओका मियो को बोलता है वीआर चालू करने के लिए, पर इस भगदड़ में कताओका वीआर के अंदर अकेला ही जा पाता है और यामामोतो नहीं जा पाता, और कताओका पहुंच जाता है श्रापित दुनिया के तोरी गेट के सामने। वो तुरंत वहां पे मियूरा को ढूंढने की कोशिश में पानी के अंदर चली जाता है, जहां पे मियूरा उसे मिलती है, जिसे इमाजो डुबा डुबा कर मार रही थी। कताओका तुरंत इमाजो को कसकर पकड़ लेता है, जिससे मियूरा बच के निकल जाती है, और वो सीधा पहुंच जाती है वापस असली दुनिया में। और वही इमाजो की डिमोनिक दुनिया में कताओका इमाजो की चेन्स को तोरी गेट से बांधने की कोशिश करता है, ताकि वो हमारी दुनिया में वापस ना आ पाए। इसी बीच में इमाजो कताओका को मारने की कोशिश करती है, और वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम वाले सोचते हैं कि उन्हें तोरी गेट को किसी भी तरह ढूंढना होगा। मियूरा तुरंत सैटेलाइट स्कैन करती है आइलैंड का, और यामामोतो निकल जाता है फिजिकल दुनिया में उस गेट को ढूंढने के लिए। ऑफिस से मियूरा यामामोतो को गेट तक पहुंचने का रास्ता बताती है, पर वहीं इमाजो अपनी श्रापित दुनिया में कताओका को पानी के अंदर भस्म कर देती है। कताओका का जो वर्चुअल अवतार था वर्चुअल रियलिटी के अंदर, वो मारा जाता है, पर लकीली ऑफिस के अंदर कताओका का शरीर अभी भी जिंदा था, जिसकी सांसें चल रही थी, और अब लड़कियां उसे जगाने की कोशिश करती है, पर तभी लाइट्स चली जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक है हमारी असली दुनिया, एक है इमाजो की श्रापित दुनिया, और एक है वर्चुअल रियलिटी जो ईडे ने बनाई है। ये तीनों दुनिया बिल्कुल एक जैसी है, पर हमारी दुनिया और इमाजो की दुनिया उस तोरी गेट के सहारे जुड़ी हुई है, और जो वर्चुअल रियलिटी है वो दोनों दुनिया के बीच में खड़ी है और एक खिड़की का काम कर रही है, जिससे हमारी दुनिया से चीजें उधर जा सकती है और इमाजो की दुनिया से चीजें इधर आ सकती है। कहने का मतलब वो लोग वर्चुअल रियलिटी से इमाजो की दुनिया में जाकर वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, पर वो असली दुनिया में जिंदा रहेंगे। खैर बात इतनी से नहीं थी, क्योंकि इमाजो अब हमारी दुनिया में है, और वो हमारी दुनिया से इंसानों को खींच के अपनी दुनिया में सच में ले जा रही थी मारने के लिए। तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कौन सी दुनिया कौन सी है और वर्चुअल रियलिटी का क्या पंगा है। खैर जब लाइट्स वापस आती है तो स्क्रीन के सामने आ गया था तोरी गेट, और देखते ही देखते तोरी गेट आ जाता है ऑफिस के अंदर, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वही यामामोतो डायरेक्शन फॉलो करते हुए फाइनली पहुंच जाता है हमारी दुनिया के तोरी गेट के पास, जहां पे इमाजो मारी गई थी, और अब ऑफिस के अंदर समुद्र का पानी भरने लगता है।
वही बिना देर करे यामामोतो तो अब हमारी दुनिया वाले तोरी गेट को काटने लगता है, क्योंकि इस गेट को नष्ट करते ही ये माजो वापस अपनी दुनिया में फंस जाएगी। और वही ऑफिस में अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी कताओका को होश आने लगता है और सामने आ जाती है डिमोनिक इमाजो जो सांप की तरह कताओका पे चढ़ जाती है और उसे पकड़कर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है जिससे सबकी रूह कांप गई थी। अब यामामोतो जब गेट को काट रहा था तभी उसके हाथ पे आ जाते हैं इमाजो के बाल और जल्दी ही इमाजो आ जाती है और यामामोतो को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पर दोस्तों यामामोतो ने तोरी गेट को पूरी तरीके से काट दिया था और अब बस उसे जलाना बाकी है। ऑफिस के अंदर अब बस मियो, मियूरा और तबाकी बचे थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए कि तभी ऑफिस में आ जाता है शीके और बोलता है हमें इमाजो को आजाद करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ कताओका समुंदर के अंदर डिमोनिक इमाजो से लड़ रहा था और वो किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है और वापस आ जाता है ऑफिस में। कताओका के वहां आते ही शीगे एक मशेटी से पूरी वर्चुअल रियलिटी के सॉफ्टवेयर को तोड़ डालता है और वो वर्चुअल रियलिटी को खत्म कर वहां से भाग जाता है ये बोल के इमाजो को आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया खत्म होने के बाद कोजी और यामामोतो की लाशें समुद्र में उभर कर आ जाती है। कताओका अब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उसके लिए सब कुछ था। पर कताओका को छोड़ के मियो और मियूरा ऑफिस से भाग जाती है यामामोतो को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद तमाकी भी कताओका को छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे अकेला रहना था। पर सबके जाते ही कताओका को मिलती है एक मेमोरी फुटेज और दोस्तों वो थी शीगे की, और इसका मतलब शीगे भी इस वर्चुअल रियलिटी के खेल को खेल चुका है। कताओका अब शीगे की मेमोरीज को देखता है और अब उसे पता चलता है शीगे का राज। कताओका देखता है बचपन वाले शीगे की कहानी जिसमें हमें पता चलता है कि एक दिन अचानक ही शीगे की माँ को कुछ हो गया था और शीगे की माँ अलग अलग आदमियों के साथ संबंध बनाने लगी थी। गांव की औरतें उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करती थी पर शीगे अपनी माँ को बचाता था। शीगे के पापा ने इसी चक्कर में खुदकुशी कर ली थी और गांव वाले शीगे पे थूकने लगे थे और यही वजह है कि लोग आज भी शीगे को पसंद नहीं करते। वही शीगे की माँ हर रोज एक नए आदमी के साथ चिपक जाती थी और गांव वाले बोलते थे कि शीगे की माँ को इमाजो का श्राप लग गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें तमाकी को दिखाया जाता है जो यूता से मिलने पहुंच गई थी और यूता भी तमाकी को शीगे वाली कहानी सुना रही थी। तो कहने का मतलब तमाकी और कताओका दोनों को ही शीगे की कहानी एक साथ पता चल रही है। कहानी में आगे हमें पता चलता है कि शीगे की माँ इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने एक दिन शीगे के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, पर जब शीगे की माँ को होश आया था तो वो बिल्कुल टूट गई थी। और उसी दिन शीगे ने उठा ली थी एक मशेटी जिसके बाद शीगे की माँ के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। ये कहानी अब तमाकी और कताओका को पता चल जाती है और अब सीन जाता है रिन पे जो हर रोज की तरह शीगे के लिए खाना लेके आती है। पर आज शीगे घर में नहीं था क्योंकि वो बैठा हुआ था एक अजीब कमरे के अंदर जहाँ पे बहुत सारा डिमोनिक सामान था। रिन शीगे को ढूंढते हुए उसी डिमोनिक कमरे में चली जाती है जहाँ पे शीगे ने बहुत सारी पेपर डक्स को रखा हुआ था। और फिर अचानक अंकल शीगे रिन को लॉक कर देता है उस डिमोनिक कमरे में। रिन डर के चिल्लाती है और शीगे को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, पर शीगे बोलता है कि इस कमरे के अंदर तुम सेफ रहोगी क्योंकि यहाँ पे श्राप नहीं आ पाएगा। और इसका मतलब दोस्तों शीगे रिन को श्राप से बचाने की कोशिश में था। शीगे के हिसाब से इमाजो पूरे आइलैंड को खत्म कर देगी पर रिन उस कमरे के अंदर सेफ रहेगी। और शीगे ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो रिन को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। शीगे अब वहां से चले जाता है और शीगे के घर से निकलते ही तमाकी शीगे से मिलने आती है सच का पता करने के लिए। पर ऑब्वियसली तमाकी को घर में शीगे नहीं रिन मिलती है जो उस डिमोनिक कमरे में बंद थी और बैठ के रो रही थी। तमाकी को उस कमरे के अंदर डिमोनिक चीजें भी मिलती है जो असल में था एक तोरी गेट जिसके ऊपर बहुत सारी मोमबत्ती और सांप की केचड़ी लटकी हुई थी। अब उस कमरे में कुछ तो अजीब था क्योंकि वहां पे शीगे की माँ की तस्वीर भी थी। और तभी इमाजो की तस्वीर जो दीवार पे लगी थी वो गिर जाती है और दीवार पे छप जाती है एक डिमोनिक आकृति।
देखते ही देखते दीवार गिर जाती है और दीवार के अंदर थी शीगे की माँ की डिमोनिक लाश, जिससे तमाकी और रिन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि शीगे ने अपनी माँ को मारकर इधर दीवार में दफन कर दिया था। और दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोग समझने लगे थे कि शीगे वर्चुअल रियलिटी में क्या करने के लिए गया था और उसने वर्चुअल रियलिटी को क्यों आखिर खत्म कर दिया। खैर, अब इमाजो के श्राप को रोकने का रास्ता था तोरी गेट को जलाने का। और अब सीन जाता है बीच पे, जहाँ पे मियू और मियूरा अपने दोस्तों की मौत पे रो रहे थे कि तभी आसमान से गिरने लगती है पेपर डक्स, जो फेंक रहा था शीगे। शीगे पहाड़ के ऊपर से बोल रहा था कि ये आइलैंड खत्म हो जाएगा और वो हंस भी रहा था क्योंकि वो चाहता था अपनी माँ का बदला लेना। तो आप लोग समझ रहे हो ना, शीगे ने जानबूझ के डिमोनिक इमाजो को आजाद करा ताकि वो अपनी माँ का बदला ले सके। तो हुआ ये कि असल में शीगे की माँ बीमार थी और उसे कोई श्राप राप नहीं लगा था, पर गांव वालों ने उसे श्रापित बोल बोल के और ज्यादा पागल कर दिया। जिसके बाद जब शीगे ने अपनी माँ को फाइनली उसके दर्द से मुक्त कर दिया तो उसने उसकी लाश को दफन कर दिया दीवार में। और फिर शीगे ने सच में समन करा श्राप वाली इमाजो को ताकि वो इमाजो को हमारी दुनिया में बुलाकर आइलैंड वालों से बदला ले सके। श्राप को फिर पूरी तरीके से आजाद करने के लिए शीगे ईडे से बात कर उसकी वर्चुअल दुनिया में गया था, जहाँ पे उसने उस कनेक्शन को बना दिया था जिससे इमाजो हमारी दुनिया में आ गई थी। तो इसका मतलब कहानी का असली विलन था शीगे, और अब क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है तो वो भी पहाड़ से गिर के मारा जाता है। शीगे की इस चाल के बारे में कताओप का भी समझ गया था और इसलिए वो जाता है बची कुची वर्चुअल रियलिटी के अंदर, जबकि वो जानता था कि रियलिटी खत्म हो चुकी है और अगर वो वहां पे गया तो वहां पे वो फंस सकता है। वहीं बीच पे मियो और मियूरा के पास पहुंच जाती है रिन और तमाकी, और वो चारों लड़कियां तोरी गेट को पानी से बाहर निकालती है उसे जलाने के लिए। पर तभी समुद्र से निकलती है डिमोनिक इमाजो, जो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इमाजो आती है और हमला कर देती है तमाकी पे, और वो तमाकी को मार ही डालती कि तभी इमाजो को कोई पकड़ लेता है और वो था कताओका, जो वर्चुअल रियलिटी में से इमाजो को रोक रहा था। और ये बात तमाकी को पता चल जाती है क्योंकि वो इमाजो के हाथ के पास कताओका के हाथ को देख लेती है। अब कताओका वर्चुअल दुनिया में से डिमोनिक इमाजो के साथ समुद्र में लड़ता हुआ चले जाता है ताकि लड़कियां गेट को जला सके, और समय रहते लड़कियां गेट में आग लगा देती है जिससे डिमोनिक इमाजो समुद्र के अंदर भस्म हो जाती है और पहुंच जाती है वापस अपनी श्रापित दुनिया में, जिसके बाद ये श्राप हो जाता है खत्म। पर तमाकी तुरंत भागती है कताओका को बचाने के लिए वापस ऑफिस। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वर्चुअल रियलिटी खत्म हो चुकी थी और इसलिए कताओका की आत्मा ना अब वर्चुअल दुनिया में थी और ना ही इमाजो की श्रापित दुनिया में और ना हमारी दुनिया में। कताओका किसी अननोन लैंड में पहुंच गया था जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी था, और कताओका वहां पे गिव अप कर देता है और समुन्द्र के अंदर डूब जाता है। पर तमाकी अपने दोस्त को इतनी आसानी से नहीं मरने देती क्योंकि वो सही टाइम पे आ जाती है और कताओको को पानी से बाहर खींच लेती है, मतलब उसने अपने दोस्त को बचा ही लिया। अब मूवी के लास्ट सीन में कताओका और तमाकी आइलैंड छोड़ के चले जाते हैं, पर अचानक तमाकी को दिखाई देता है तोरी गेट, जो अपनी जगह पे वापस आ गया था। मतलब दोस्तों, डिमोनिक इमाजो ने भले ही उन दोस्तों का पीछा छोड़ दिया पर वो आइलैंड का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। तमाकी और कताओका उस गेट को डर के साथ देखते हैं और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि श्राप खत्म नहीं हुआ, जिससे वो दोनों डर रहे थे। पर आपको क्या लगता है कि क्या तमाकी और कताओका श्राप से बच गए? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम लोग रिन को देख पाते हैं, जो तोरी गेट के सामने बजाती है वो गाना और फिर चले जाती है तोरी गेट की दूसरी तरफ और पानी में गायब हो जाती है। पर क्यों? क्या रिन भी श्रापित थी, या उसने खुदकुशी कर ली, या रिन को शीगे की माँ की आत्मा ने पोजेस कर लिया था? यह हमें अगले पार्ट में पता चलेगा क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किकाईजीमा मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कमाल की मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमासु, सायोनारा।